हेलो व्यूअर्स, जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मुंबई के फेमस ग्रीन कीमा की रेसिपी, जिसे ईरानी कीमा भी कहा जाता है। ये मुंबई का एक फेमस नाश्ता है जिसे पाव के साथ सर्व किया जाता है। हमारी बताई हुई रेसिपी को फॉलो करते हुए जब आप इसे ट्राई करेंगे तो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रीन कीमा बनकर तैयार होगा। डेली और वीकेंड स्पेशल रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सबसे पहले हम कीमे को मैरिनेट करेंगे। तो हमने यहाँ पर 500 ग्राम मटन का कीमा लिया है। इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून या फिर स्वाद अनुसार नमक, और ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। साथ ही में हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कीमे को 1 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। अगर टाइम की शॉर्टेज है तो आप इसे आधे घंटे के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। अब हम कीमे के लिए मसाला तैयार करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर लिया है 2 टीस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून साबुत जीरा, 2 हरी इलायची और 1/2 टीस्पून काली मिर्च। इन सारी चीज़ों को मिक्सी में पीस कर इसका फाइन पाउडर बना लेंगे। और यहाँ पर मैंने 1 कप हरा धनिया लिया है। हरे धनिए को इसकी डंडी के साथ लीजिएगा। साथ ही मैं 7 छोटी हरी मिर्च ली है। इसे हम मिक्सी जार में पीस लेंगे। और यहाँ पर मैंने सूए की भाजी ली है, इसे हम बारीक काट लेंगे। आपको ये सवाल ज़रूर होगा कि अगर सूए की भाजी ना हो तो इसकी जगह हम किस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मुंबई स्टाइल ग्रीन कीमा बनाने के लिए ये सबसे मेन इंग्रेडिएंट है। अब एक प्रेशर कुकर में 5 टेबलस्पून तेल गरम करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे तेज पत्ते। साथ ही में हम इसमें ऐड करेंगे 4 बड़ी साइज़ की प्याज। तो प्याज को हमने इस तरह स्लाइसिस में काट लिया है और प्याज को तेल में तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये थोड़ी गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन होने तक हमने इसे तेल में फ्राई कर लिया। इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे मैरिनेट किया हुआ कीमा और कीमे को तेल में हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे, ताकि हमने इसमें जो अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है उसका कच्चापन दूर हो जाए। सो गाइस, आप ही की डिमांड पर हम आपके साथ इस रेसिपी को शेयर कर रहे हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और आप इसे अपने घर पर ज़रूर ट्राई करेंगे। लेकिन रेसिपी ट्राई करने के बाद कमेंट बॉक्स में हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए, मैंने कीमे को तेल में 2 मिनट तक हाई फ्लेम पर भून लिया है। और अब हमने धनिया, जीरा, काली मिर्च और इलायची का जो मसाला बनाकर रखा है वो इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही में ऐड कर देंगे हरे धनिए और छोटी हरी मिर्च का पेस्ट। मिक्सी जार को खंगाल कर इसमें 1/4 कप पानी भी ऐड कर देंगे। अगर आप कीमे को थोड़ा स्पाइसी रखना चाहते हैं तो आप हरी मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और प्रेशर कुकर को लीड से कवर करके हाई फ्लेम पर 1 प्रेशर आने तक हम इसे पकाएंगे। हाई फ्लेम पर 1 प्रेशर आने तक हमने इसे पका लिया और गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसके प्रेशर को खुद से रिलीज़ होने देंगे और इसे खोल लेंगे। अब हम गैस की फ्लेम को फिर से ऑन कर देंगे, एक बार इसे चला लेंगे। और इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे मटर। तो मैंने यहाँ पर 1/2 कप मटर लिए हैं। मिक्स कर लेंगे और इसे कवर करके लो फ्लेम पर तब तक पकाएंगे जब तक मटर गल ना जाए, और बीच बीच में इसे चेक करते रहेंगे। तो देखिए, मैंने इसे कवर करके 10 मिनट तक लो फ्लेम पर पका लिया है और मटर जो है वो भी गल चुके हैं। अगर आपके मटर गलते नहीं हैं तो आप इसे थोड़ी देर के लिए लो फ्लेम पर और पका लें। इसे एक बार चला लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे 1/2 कप बारीक कटी हुई सूए की भाजी। इस सब्जी का फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए आप इसे 1/2 कप से ज़्यादा ऐड मत कीजिएगा। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे
और इसमें 1/4 कप पानी ऐड करके 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे और इसे कवर करके लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए और पकाएंगे। तो मैंने इसे कवर करके लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए और पका लिया है। ये देखिए कितना बढ़िया कीमा बनकर तैयार हुआ है। इसे हम पूरी तरह ड्राई नहीं करेंगे, इस तरह से इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर बाकी रखेंगे। अब गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसे सर्व कर लेंगे। ये देखिए बना है ना बिल्कुल मुंबई का रेस्टोरेंट स्टाइल ईरानी कीमा, यानी कि ग्रीन कीमा। इसे हम पाव के साथ सर्व करेंगे। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फिर मिलेंगे जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।